हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टीआर टूल्स एलजी रूट टूल, जो कि मैंने डाउनलोड किया है firmwaregear.com वेबसाइट से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक है, उसकी मदद से आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल को मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें कुल चार फाइल्स दिख रही हैं। सबसे पहले मुझे ओपन करना है पासवर्ड फाइल और यहाँ से पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं ओपन करूँगा टीआर टूल्स एलजी रूट टूल डॉट एक्सी को और यहाँ पे मुझे पासवर्ड को पेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल और फिनिश पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये टूल अपने आप लॉन्च हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल हमारे कंप्यूटर में लॉन्च हो गया है प्रॉपरली। और इस टूल के बारे में हम बात कर लेते हैं, ये बहुत छोटा सा टूल है और हेल्प करता है एलजी के जो डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, उसको रूट करने में, रूट एक्सेस मतलब कि प्राप्त करने में या मतलब कि एम करने के, जो भी अगर आप अपना डिवाइस रूट करना चाहते हैं रूट एक्सेस के लिए, तो इसकी मदद से आप रूट कर सकते हैं आसानी से। तो इस टूल के अंदर बहुत कम ऑप्शंस हैं, मतलब फीचर्स हैं। जो पहला है कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, जो मेथड है यहाँ से मेथड के अंदर आप देख सकते हैं कि तीन मेथड है। जो पहला मेथड है G2, G3, G4, G5, Elfino को ये सपोर्ट करता है। जो दूसरा मेथड है G4, V10 को सपोर्ट करता है। जो तीसरा है G Flex को सपोर्ट करता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने G Flex यहाँ से सिलेक्ट किया है तीसरा ऑप्शन और यहाँ से जो लैंग्वेज है इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया मैंने और G Flex और कॉम्पोर्ट में मैंने यहाँ से कॉम्पोर्ट अपना डिवाइस जो कनेक्ट किया होता, अगर मैंने फ़िलहाल में कोई LG का डिवाइस ना नहीं है मेरे पास तो इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया है। अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया होता तो कॉम्पोर्ट यहाँ पे शो होता। फिर उसके बाद मुझे फाइनली रूट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं रूट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टूल है और अच्छा टूल है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं टूल को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी मदद से डाउनलोड करके ट्राई करिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।